holograms. Beside the neat house, auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Tarjuma, main pana mangti hu Allah Taala ki shaitan mardood ke shar se. I seek the refuge to Allah from shaitan and the outcast. Tasmiya, bismillahir-rahmanir-rahim. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है. विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज द मोस्ट मर्सीफुल एंड द लॉर्ड ऑफ मर्सी. रेज़ योर हैंड्स फॉर दुआ. दुआ के लिए हाथ उठाए. रब्बे ज़िदनी इल्मा. दुआ फॉर इंक्रीजिंग नॉलेज. रब्बे ज़िदनी इल्मा. ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा. Oh my Allah, increase my knowledge. Ameen. Today our topic is. आपको बोर्ड पे क्या दिख रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कि बोर्ड पे टीचर ने क्या लगाया है और क्या है? आपको पता है क्या है ये क्या कहते हैं? जी हाँ, vegetables. ये क्या है? Vegetables है. आज हम इन्हें vegetables आज हम इन्हें पढ़ेंगे और हम जानेंगे वेजिटेबल कौन कौन सी होती हैं और उनको उनके नाम क्या होते हैं. वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन जो है ना आज मैं आपको उनके नेम्स भी याद करवा दूंगी और आपको पता भी चल जाएगा, पढ़ना भी आ जाएगा और जो है आपको जो इनके कलर्स हैं वो भी और आपके लिए एक अच्छी सी एक्टिविटी भी लाएंगे ऐसा होगा. ठीक है, तो हमने क्या करना है? सबसे पहले टेक आउट योर बुक. लेट्स एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड अस लेवल 2. ये आपकी टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 22. Take out your page number 22. Okay. Vegetables, आपको पता है सब्जियां होती क्या है? हम इनको इंग्लिश में वेजिटेबल्स बोलते हैं और उर्दू में हम इन्हें सब्जियां बोलते हैं. वेजिटेबल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड. यानी कि हमारे जो गिजा है उसका एक बहुत अहम हिस्सा क्या है? वेजिटेबल्स है. आप सब्जियां हमें जरूर खानी चाहिए. आपको पता है इससे हम हेल्दी रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं. ये हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी और जरूरी है और ये अल्लाह ताला की नियमतों से एक बहुत बड़ी नियमत है. ठीक है ना, सब्जियों में हमारे जिस्म के में सब्जियां खाने से हमारा हमें क्या होता है? ताकत मिलती है, तवानाई आती है और हम बहुत सी बीमारियों से महफूज रहते हैं. आप सिर्फ पोटैटो खाते हैं, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे सिर्फ आलू खाते हैं, वो भी फ्राइज, है ना? जी हाँ, सबके लंच बॉक्स में फ्राइज दिख रहे होते हैं. और भी सब्जियां खानी चाहिए, वो भी बहुत अच्छी होती है. चलिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले सब्जियां, ये वेजिटेबल्स पढ़ाते हैं आपको. ठीक है, अनियन, जिससे सारे बच्चे दूर भागते हैं. अनियन मैं पढ़ाऊंगी, इसके बाद आप रिपीट कर लें. पोटैटो, पीस, रेडिश, लेडी फिंगर, ब्रिंजल. अनियन, अनियन को उर्दू में प्याज कहते हैं. क्या कहते हैं? प्याज. प्याज नहीं, वो जो प्याज लगती है पानी वाली, है प्याज. ठीक है, पोटैटो, आलू, आलू मियाँ. कौन है ये आलू मियाँ? है ना ये जो सब बच्चे बड़े शौक से खाते हैं. पीस, पीस को उर्दू में कहते हैं मटर. आप मटर भी शौक से खाते हैं ना, मटर पुलाव तो सबको पसंद है और कुछ बच्चे मैगी में बड़े शौक से मटर खाते हैं ना. देखा, टीचर को सब पता है. पीस को हम उर्दू में क्या कह रहे हैं? मटर. रेडिश, रेडिश क्या है? वो जो मूली होती है जो हम सैलेड में भी यूज करते हैं. रेडिश. लेडी फिंगर, लेडी फिंगर को उर्दू में हम कहते हैं भिंडी. क्या कहते हैं? भिंडी. और सारे बच्चे भिंडी जब पकती है ना घर में दूर भागते हैं, है ना? कुछ बच्चे ही खाते हैं. ब्रिंजल, ब्रिंजल जो है क्या है? बैंगन. बैंगन, बैगन नहीं होता, बैंगन होता है. ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको? बैंगन. ओके, लुक एट द बोर्ड. यहाँ पे मैंने बहुत सारे वेजिटेबल्स आपके लिए पेस्ट किए हैं. कैरेट, बुक में कैरेट नहीं थी लेकिन सब वेजिटेबल तो है ना कैरेट, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पेस्ट की ताकि आपको पता हो. कैरेट सबको अच्छी लगती, सब बच्चे लाइक करते हैं कैरेट और टीचर को भी अच्छी लगती. कैरेट, कैरेट को उर्दू में पढ़ रहे हैं गाजर. कैरेट, गाजर. अनियन, प्याज. अनियन, प्याज. अनियन को क्या पढ़ रहे हैं? प्याज. रेडिश, मूली. रेडिश, मूली. ये रेड तो नहीं होती लेकिन इसका नाम
बोले पीछे रेडिश तो है नहीं, ठीक है। लेमन, लीमू, लेमन, लीमू। अच्छा लेमन जो है वो भी आपके धूप में नहीं था, लेकिन ये भी सब्जी है, ये भी वेजिटेबल है, तो मैंने आपको इसलिए यहाँ पे पेस्ट कर दिया, आपको कलर भी पता चल जाएगा। लेमन, लीमू, अभी गर्मियां भी हैं तो मोस्टली सबके घर में लेमन का जूस बनता है ना, उसमें सॉल्ट भी रहता है, उसमें शुगर भी ऐड होती है और बहुत मजे का यम्मी सा रहता है, और अगर ठंडा कर लो तो बहुत अच्छा लगता है। और आपको पता है, देखें अब आपको मैं एक बात बताऊँ, यहाँ से मैं आपको एक बात बताती हूँ, हम क्यों पीते हैं, ये तो सब्जी है ना, लेकिन हम इसका जूस लेते हैं क्यों, क्योंकि ये पीने से हमारे जिसम में जो जो गर्मी हुई होती है, हमारी एटमोसफेयर में गर्मी हो रही है, हमें कितनी गर्मी लग रही होती है, गर्मी दाने भी हो जाते हैं, इसको पीने से क्या होता है, हमें ठंडक मिलती है और हमारे गर्मी दानों को भी सुकून आता है, हम इसको इसलिए पीते हैं, तो इसका मतलब है ये गर्मी को खत्म कर रहा है ना, ये इसका फायदा है, ठीक है, समझ में आया आपको। अब आप बोले लेमन का तो कुछ नहीं बनाती मम्मा, लेमन जो है हमारी जो कुकिंग होती है या कोई खाने बनता है उसमें यूज होता है, ठीक है, दिखता नहीं है, ठीक है, दिखता नहीं, बहुत कम दिखता है। अच्छा जी, पोटैटो, ये कौन है, आलू मियाँ, वैसे ये आलू मियाँ नहीं बोल रही, आलू मियाँ तो मैं सिर्फ टीचर बोल रही है ना, ठीक है, वैसे क्या है ये आलू जो कि सब बच्चे शौक से खाते हैं। पीस मटर, पीस मटर, ब्रिंजल बैंगन, ब्रिंजल बैंगन, लेडी फिंगर, क्या है ये, लेडी फिंगर को क्या बोलते हैं, भिंडी, भिंडी। अब आपने क्या करना है कि जितनी भी वेजिटेबल्स हैं इनको आपने क्या करना है, पेस्ट करना है, ठीक है, पेस्ट करके देखेंगे और आपको अच्छी भी लगेंगी, वेजिटेबल्स आपको जरूर खानी चाहिए, ठीक है। ये तो आपका क्लास वर्क था, मैंने आपको इसकी रीडिंग करवाई, इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक होमवर्क बता रही हूँ, होमवर्क तो एक गेम है, वो बड़े मजे का है, बड़ी अच्छी सी एक एक्टिविटी है। टेक आउट योर दिस वन बुक, लेट्स एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड अस बुक, एक्टिविटी बुक लेवल टू, एंड टेक आउट पेज नंबर 35। वेजिटेबल्स, कलर द वेजिटेबल्स क्या है, यहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल मिक्स हैं, तो आज हमने कौन सा पढ़ा, वेजिटेबल्स, ओके। अच्छा टीचर ने आपको टोमेटो तो नहीं पढ़ाया, ठीक है, टोमेटो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, वेट, ओके। क्या करना है, रेडिश, लेमन और टोमेटो, इसमें हमने कलर करने, ओके। आपको पता है स्ट्रॉबेरी और बनाना तो हमारे पास वो नहीं है, तो यहाँ पे टीचर क्या बता रही हैं, स्ट्रॉबेरी और जो बनाना है वो क्या है, फ्रूट नहीं है, कोई बात, ठीक है, स्ट्रॉबेरी और बनाना में कलर नहीं करना, क्योंकि ये क्या है, फ्रूट्स हैं, दीज आर फ्रूट्स एंड रेडिश, टोमेटो एंड लेमन, दीज आर वेजिटेबल्स, ओके। अब आपने क्या करना है, रेडिश का आपको कलर पता है, इसमें तो हम कलर नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी वाइट ही होती है, इसके जो ये वाली लीव्स पार्ट्स हैं जहाँ मैंने ये ग्रीन किया है आप ये करेंगे, लेमन में हम येलो करेंगे और टोमेटो में मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कौन सा कलर करेंगे, ठीक है, टेंशन कर ले होमवर्क, ठीक है। अच्छा जी, ओके, आई हैव सम फ्लैश कार्ड फॉर यू, आपने क्या करना है, टीचर आपको वन बाय वन दिखाएंगी और आपने इसके नेम रीड करने हैं, सबसे पहले तो मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये है टोमेटो, ऐसा कलर करेंगे टोमेटो में, ओके, टोमेटो, व्हाट इज दिस, क्या है ये, जल्दी से बताएं, गाजर नहीं, इंग्लिश में बताएं, अब गाजर तो है लेकिन इंग्लिश में से क्या बोल रहे हैं, कैरेट, कैरेट, क्या बोल रहे हैं, कैरेट। अच्छा गाजर लाल भी होती है और ऑरेंज भी होती है, ठीक है, पहले तो ये लाल ही होती थी, अब ऑरेंज भी होती है, इसलिए टीचर ने ऑरेंज वाली शो करवाई है, रेड भी कर सकते हैं, सर्दियों में जो जो विंटर सीजन में जो जो हमें गाजर अवेलेबल हो रही है वो हो रही है रेड, और जो समर सीजन है ना उसमें गाजर ऑरेंज और हमें मिल रही है, ठीक है, इसलिए टीचर ने अभी इस वक्त जो है ना ऑरेंज ही बनाई है। अनियन, अनियन, प्याज, अनियन, पीस, मटर, मटर, आलू, क्या है ये, आलू,
सीजन होते हैं। अब टीचर आपको क्या बता रही है, हम इस क्लास को होमवर्क दोनों ही समझ रहे हैं, क्योंकि मैं आपको पहले क्वेश्चन रिपीट करवाती हूँ, याद करवाती हूँ, फिर आपको रिपीट और रिवाइज करने के लिए क्लास में जो है होमवर्क भी दे देती हूँ। तो हमने क्या करना है, रिकॉर्डो का शीट पैड एंड टेक आउट जनरल नॉलेज कन्वर्सेशन, यहाँ ये निकालेंगे हम। इसके बाद इस्लामियत में जो आपको पता है ना, जीके में मैंने आपको कितने क्वेश्चन करवा दिए हैं, 1, 2, 3। आज जो हम कौन सा क्वेश्चन रन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पहला मैंने आपको करवाया था, व्हाट इज योर नेम। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, कुछ पेरेंट्स मुझे कह रहे हैं सारे बच्चे ये नहीं बोलते माय नेम इज, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज योर नेम आप बोलते थे अब्दुल हादी और अफहम अली, इस तरह नहीं, आपने बोला है माय नेम इज अब्दुल हादी। जैसे टीचर का नाम सलीम है, टीचर बोलेगी माय नेम इज सलीम, तो आपने पूरा कर बोलना है, पूरे वर्ड्स को बोलना है माय नेम इज सलीम, तो आपका जो नाम होगा आप बोलोगे। ओके व्हाट इज योर स्कूल नेम, माय स्कूल नेम इज द एजुकेटर। हाउ मेनी सिबलिंग डू यू हैव, आई हैव डैश सिबलिंग्स एंड जो जितनी भी आपकी सिस्टर और ब्रदर हैं आपने वो बोला, ये मैंने आपको एक रिवाइज दे दिया, ठीक है। आज हमारा जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, हाउ ओल्ड आर यू, आई एम डैश ईयर ओल्ड। ओके क्या करना है, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के, अगर आप 3 के नाम बोलेंगे आई एम 3 ईयर्स ओल्ड, आई एम 4 ईयर्स ओल्ड, आई एम 5 ईयर्स ओल्ड, इससे ज़्यादा कि आप नहीं होंगे क्योंकि नर्सरी में इससे कम या ऐसे 3, 4, 4 या 4.5 इस तरह की एज होगी। ओके चलिए जी, ये तो आपका था, यहाँ होमवर्क मेंशन कर लें ताकि आप अच्छे से उसको याद कर लें क्वेश्चन नंबर 4 में। इसके बाद टर्न योर पेज, ठीक है चलिए जी। ये देखें इस्लामियत कन्वर्सेशन आई है, ठीक है, यहाँ पे इस्लामियत के क्वेश्चन हैं। इसको हम मैंने आपको उससे पहले याद करवाया था, नेम द पर्सन हु कॉल अजान इन मस्जिद, मौजन, मौजन। इन टुडेज योर होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 2, How many Eid do we celebrate in a year? How many Eid do we celebrate in a year? यानी हम जो है मुसलमान, मुस्लिम तो नहीं लिखा, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, हम साल में कितनी ईद मनाते हैं, 2 Eids, बोले 2 Eids। How many Eid do we celebrate in a year? 2 Eids। नाम तो मैं इसमें नहीं याद करने, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, ईद उल फितर, ईद उल अजहा। ओके अभी आपने सिर्फ क्या याद करना है, 2 Eids, ठीक है। अच्छा ये सब आपके आज के क्लास का होमवर्क था, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। लेट अस नोट द वर्ड अराउंड अस बुक 35 जो हमने कल, जहाँ पे हमने कलरिंग करनी, कलरिंग बहुत नीट एंड क्लीन अच्छी सी करनी, जैसे यहाँ साफ सुथरी लग रही है, देखिए क्या कलर की, जैसे यहाँ आउट नहीं है ना कलर आपकी भी बुक में ना, मुझे जो व्हाइट पार्ट है व्हाइट ही लगी, सिर्फ आपके जो ऑब्जेक्ट बना जो पिक्चर है उसमें कलर अच्छे से करना। जीके मैम क्वेश्चन नंबर 4, जीके का जो मैंने अभी आपको कराया, हाउ मेनी डू वी सेलिब्रेट इन अ ईयर, इस्लामिक का क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड नहीं, वो इस्लामिक का जो ईद वाला है ना और जीके वाला वो है हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपने क्वेश्चन पैड से याद करना है, ठीक है, आपको काम समझ में आ गया, तो हम ये सब रिपीट कर लें। रेडिश, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, पोटैटो, पीस, अनियन, कैरेट, टोमेटो, रेडिश, लेडी फिंगर। ओके ये आपकी क्या थी, अच्छा इसके अलावा भी बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं, अभी फिलहाल आप यही याद कर लीजिएगा, ठीक है। टीचर क्लास वाइंड अप करेंगे, अपना बहुत ख्याल।